जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 9.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण एसी और बीडी परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि एरिया ऑफ ए पी बी इनटू सी पी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए पी डी इंटू बी पी सी। ओके, हमें शो करना है, बहुत सिंपल है। डायगनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी, शो दैट दिस वन। ओके, फ्रॉम हिंट दे रखी है बच्चों, फ्रॉम ए एंड सी ड्रॉ परपेंडिकुलर्स टू बी डी, ए और सी से बी डी पर लंब खींचिए। तो जब ये हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो रेड कलर से कर देते हैं ना, थोड़ा सा अलग दिखे आपको। ओके, तो बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। हाँ, इसमें हमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा वो हम आपको बता दें कि एक जो ट्रायंगल होता है एक्यूट एंगल्ड, हाँ, उसका अगर मैं चाहूँ एल्टीट्यूड बनाना बच्चों तो इजीली बना सकती हूँ, है ना। लेकिन अगर कोई ऑप्टिव्स एंगल है जिसका एक एंगल अधिक कोण है, अधिक कोण त्रिभुज है, तो इसका जो अगर मैं परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड लंब बनाना चाहूँ तो मैं ट्रायंगल के अंदर नहीं बना पाऊँगी, है ना। इसके लिए मुझे इसको बाहर एल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा और ये वाली साइड को पीछे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये वर्टेक्स यानी शीर्ष से भुजा की दूरी मुझे मिल जाएगी, यानी इसको हम एल्टीट्यूड या लंब कहेंगे। तो कहने का अर्थ है कि एक अधिक कोण त्रिभुज का जो एल्टीट्यूड होता है ना ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का, वो आउटसाइड द ट्रायंगल होता है, ठीक है, त्रिभुज के बाहर होता है। बस इतनी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब सुनिए, लेफ्ट हैंड साइड को बच्चों मैं अलग सॉल्व करती हूँ और राइट हैंड साइड को अलग, दोनों सेम आ जाए, बस हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने लिया LHS, मैं रफ लिख रही हूँ, बाद में फेयर करेंगे। हाँ, एरिया ऑफ ए पी बी इंटू एरिया ऑफ सी पी डी। ओके, तो एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ए पी डी, ए पी बी का एरिया लेते हैं, ए पी बी। हम क्या करते हैं, हमने एल्टीट्यूड जो ड्रॉ किए हैं वो बी डी पर ड्रॉ किए हैं, तो हम बी डी को बेस लाइन ले लेते हैं, यानी जब भी जो भी ट्राइंगल बोलेंगे उसका बेस हम बी डी को बोल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे सामने आया है ए पी बी, ए पी बी 1/2, बेस क्या हुआ बच्चों, बेस हुआ पी बी, पी बी। अब इसका एल्टीट्यूड कहाँ से लिया जाएगा, ए से, क्योंकि ये ए पी बी है, ए इसका वर्टेक्स है, इसका हम कुछ भी बच्चों नाम रख देते हैं एम और एन। ओके, तो यहाँ आ जाएगा पी बी इंटू ए एन, ये क्या आ गया, एरिया ऑफ ए पी बी इंटू सी पी डी। में हमने जैसे पहले चर्चा करी, बेस हम बी डी को ही लेंगे। ओके, तो बेस हो जाएगा पी डी, 1/2 इंटू पी डी। ओके, अब ये सी पी डी है तो इसका जो एल्टीट्यूड है वो सी से है और उसका नाम क्या है, सी एम, सी एम। तो आपकी एल एच एस आ गई 1/4 पी बी इंटू ए एन इंटू पी डी इंटू सी एम। अब आप समझ गए होंगे, आर एच एस बस ऐसे ही आ जाएगी, ए पी डी इंटू एरिया ऑफ बी पी सी मुझे चाहिए, तो 1/2 ए पी डी, ए पी डी। ओके, बेस हो गया बच्चों पी डी, और एल्टीट्यूड हो जाएगा ए एन, ये तो एक्यूट एंगल निकला, इंटू बी पी सी, ये भी एक्यूट एंगल्ड है, इसमें भी हो जाएगा 1/2, बेस हो जाएगा बच्चों बी पी और एल्टीट्यूड हो जाएगा सी एम, 1/4 पी डी इंटू ए एन इंटू बी पी इंटू सी एम, पी बी, ओह पी बी है, पी बी, ओके, ए एन ए एन, पी डी पी डी, सी एम सी एम, 1/4 1/4 हो गया, है ना। अब हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, ये देखिए बच्चों मैंने इसको सॉल्व किया है और बिल्कुल सिंपल है। बस इसमें आपको जो याद रखना है वो क्या याद रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इन चारों में से कोई भी ट्रायंगल लिया जाए आप बी डी को बेस लाइन मानेंगे, है ना। ये ट्रायंगल है तो पी डी बेस है और ये ट्रायंगल है तो पी बी बेस है, ये ट्रायंगल ऐसे सब, है ना। तो हर जगह आपको बी डी को ही बेस लाइन मानना है, इस तरह से ये सिंपल हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है पी और क्यू। ये देखिए डायग्राम देखते जाइए। हाँ, पी और क्यू क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और बी सी के मध्य बिंदु है। ए बी का मध्य बिंदु पी है और बी सी का मध्य बिंदु क्यू है, तथा आर रेखाखंड ए पी का मध्य बिंदु, ये जो ए पी है ना, ए बी की हाफ आर, उसका भी मिड पॉइंट है। ठीक है, दर्शाइए कि ये तीन चीज़ें P and Q are respectively the midpoints of sides AB and BC of a triangle ABC and R is the midpoint of AP. Show that. Okay. बच्चों सुनो, ये तीन केसेस हैं और ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं, यानी एक मैंने किया तो दो उसके पीछे पीछे ईजीली हो जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में मुझे बताना है कि एरिया ऑफ पी आर क्यू इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए आर सी। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो स्ट्रेटजी या जो थ्योरम सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है, या एकमात्र वही एक थ्योरम है जो यूज़ होगी, वो सुन लो कौन सी है। आप जानते हो कि किसी ट्रायंगल की जो मीडियन होती है, मध्यिका, मीडियन क्या होता है, मीडियन, मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। मध्यिका एक रेखाखंड है जो शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाता है, तो ये एम मध्यिका यानी मीडियन। मीडियन क्या करती है, एक ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल्स में डिवाइड करती है। ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, सुनना इस चीज़ को ध्यान से, ये ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट हो, सर्वांग सम हो, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनका क्षेत्रफल समान होता है। इस थ्योरम का खुल्लम खुल्ला यूज़ होगा, केवल इसी थ्योरम का यूज़ होगा। तो चलिए एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये ट्रायंगल एबीसी है, पी एबी का मध्य बिंदु है, क्यू बीसी का मिड पॉइंट है और आर एपी का मिड पॉइंट है, और ये दो ट्रायंगल्स हमको एरिया के रेशो में इनको बताना है, 1:2 है, पी क्यू आर, ये रहा पी आर क्यू है ना, और ए आर सी ये वाला जो मैंने पर्पल कलर से कर दिए, सॉरी मजेंटा कलर, पिंक कलर से कर दिए, डार्क पिंक। ठीक है, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन किया है मैंने, ए को क्यू से ज्वाइन किया है, सी को पी से ज्वाइन किया है, इनकी हेल्प हमें लगेगी, कंस्ट्रक्शन रेड कलर से। ओके, नाउ एक बनाते हैं हम स्ट्रेटजी। बच्चों हमारी स्ट्रेटजी क्या है, देखो पी आर क्यू और ए आर सी का कोई रिलेशन नहीं है, ना ये सेम बेस पर है, ना ये पैरेलल लाइंस के बीच में है, ना कुछ और। तो हमने क्या किया, हम ये जो पी आर क्यू, ये जो पी आर क्यू ट्रायंगल है, इसका एरिया ए बी सी का कितना है वो निकालेंगे। इसी प्रकार हम ए आर सी का एरिया भी ए बी सी का कितना है वो निकालेंगे। कहने का अर्थ है कि दोनों को ए बी सी के फॉर्म में ले आएंगे, फिर कंपेयर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं पी आर क्यू पर। मैंने आपसे क्या कहा, ये वाली थ्योरम लगने वाली है। तो क्यू आर मीडियन है ट्राइंगल पी क्यू ए, ये जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया ये मेरी हेल्प कर रहा है, पी क्यू ए की मीडियन है क्यू आर, है कि नहीं, मीडियन है ना, इसका मतलब ये दोनों एरिया में इक्वल है, है ना, कौन कौन से, पी क्यू आर और आर क्यू ए, इन दोनों का एरिया इक्वल है। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पी आर क्यू इज हाफ द एरिया ऑफ पी क्यू ए। बच्चों ये शुरुआत है, इसको ध्यान से समझ लीजिए, बस एक चीज आपको समझ में आ गई, सवाल सरपट दौड़ेगा। ये वाला ट्रायंगल लिया मैंने पी क्यू ए, इसमें पी आर है मीडियन, इसका मतलब पी क्यू, पी आर क्यू का एरिया पी ए क्यू का हाफ होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल में डिवाइड हो गए हैं, तो ये हाफ हो गया। अब पी क्यू ए के बारे में बात करते हैं। ये जो पी क्यू ए है, इसका रिलेशन आप अगर देखें तो ए बी क्यू से बन रहा है। ये जो P है ना, P बेटा, ये किसका मिड पॉइंट है, ये AB का मिड पॉइंट है, तो QP हो गई मीडियन, गॉट इट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, दैट मीन्स QP इज द मीडियन। ओके, तो
अब हमारा ये जो पी क्यू ए है ये ए बी क्यू का हाफ माना जाएगा, है ना, यानी कि एरिया ऑफ पी क्यू ए विल बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी क्यू। अब इसके आगे तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके माइंड ने काम करना शुरू कर दिया होगा। ये जो ए बी क्यू है ये किसका हाफ है? ये ए बी सी का हाफ है। क्यों? क्योंकि ए क्यू इज द मीडियन, क्यू मिड पॉइंट है ना, मध्य बिंदु है ना, इसका मतलब ए क्यू है मीडियन, है ना, इसका मतलब ये जो ए बी क्यू है ये ए बी सी का हाफ है, हाफ ऑफ ए बी सी, गॉट इट। चलिए अब शुरू करते हैं यहाँ से। एरिया ऑफ पी आर क्यू इज इक्वल टू 1/2। अब ये जो पी क्यू ए है, पी क्यू ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ ए बी क्यू लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद अब ये हो गया 1/4। अब ये ए बी क्यू के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ ए बी सी, तो ये हो गया हाफ ऑफ ए बी सी, यानी कि कुल मिलाकर 1/8 ए बी सी। तो पी आर क्यू कितना आ गया? 1/8 ए बी सी, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल मेरा क्या है? ए आर सी, मैं यही करती हूँ इसको ए आर सी, ठीक है। ए आर सी का देखते हैं कहाँ गया हमारा डायग्राम, ये रहा ए आर सी। ये किसका हाफ है? ये सी पी ए का हाफ है, दिखा आपको। अब मुझे इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिखने लगा होगा, क्योंकि ये जो सी आर है ना, सी आर ये सी पी ए की है मध्य का मीडियन, इसका मतलब ए आर सी इज हाफ ऑफ ए पी सी। यहाँ मैं लिख रही हूँ इट्स हाफ ऑफ ए पी सी, अभी मैंने एरिया भी नहीं लिखा, जगह कम है इसलिए, ओके समझ गए। अब देखते हैं ए पी सी के बारे में, ये रहा ए पी सी ये वाला, ये ए बी सी का हाफ है। ये ए बी सी का हाफ क्यों है? क्योंकि सी पी मीडियन है, पहले भी तो किया हमने, ए पी सी विल बी हाफ ऑफ ए बी सी, गॉट इट। अब हम रिप्लेसिंग शुरू करते हैं। ये ए आर सी है, ये ए पी सी का हाफ है, ए आर सी इज हाफ ऑफ ए पी सी। ए पी सी के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे बच्चों? हम लिख देंगे हाफ ए बी सी, है ना। तो हमारे को ए आर सी कितना मिल गया? 1/4 ए बी सी। यहाँ पे पी आर क्यू कितना मिला था? 1/8 ए बी सी। ये 1/8 ए बी सी, ये 1/4 ए बी सी। कौन किसका कितना? ये इसका डबल। कैसे? इसको इंटू टू करो, 2 से 8 कैंसिल, 1/4, यानी कि ए आर सी पी आर क्यू का डबल है। उल्टा बोले तो पी आर क्यू इज हाफ ऑफ ए आर सी, तो यही हमको प्रूव करना था, ठीक है, यही तो प्रूफ करना था। पी आर क्यू ए आर सी का हाफ है। कैसे प्रूव हुआ है? पी आर क्यू आ गया है 1/8 ए बी सी और ए आर सी आ गया है 1/4 ए बी सी, गॉट इट। अब मैं इसको फटाफट लिख रही हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने सॉल्व करके रख दिया है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बता भी चुकी हूँ। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पी आर क्यू से आप पहले पहुँचेंगे ए पी क्यू पर, ए पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी ए बी क्यू के फॉर्म में और फिर ए बी क्यू बदल जाएगा हाफ ऑफ ए बी सी। इस तरह से जब आप इन सभी रिजल्ट्स को कंबाइंड करोगे ना तो आपको पी आर क्यू 1/8 ए बी सी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप यही कार्यक्रम ए आर सी के लिए करोगे। ए आर सी ए पी सी का हाफ है, ए पी सी ए बी सी का हाफ है, इस तरह से ए आर सी 1/4 ऑफ ए बी सी हो गया। वो 1/8 था, ये 1/4 है। इसको मैंने रिलेशन ए नाम दिया बच्चों, 1/8, और इसको मैंने रिलेशन बी नाम दिया 1/4। 1/8 और 1/4 का रिलेशन होता है ट्वाइस का, तो पी आर क्यू बन गया ए आर सी का हाफ, या फिर ए आर सी बन गया पी आर क्यू का ट्वाइस, ठीक है। अब जो सेकेंड है उसमें आपको आर क्यू सी का एरिया 3/8 ऑफ ए बी सी बताना है, ठीक है। अब ये सवाल जो है, देखो ऑप्शनल चल रही है ना, ऑप्शनल में तो आपसे बिल्कुल परफेक्शन की उम्मीद की जाती है और सब तरह के सवाल आ जाते हैं। तो आर क्यू सी को बच्चों मैंने डार्क कर दिया, ग्रीन कलर कर दिया। ये वाला ट्रायंगल पूरे ए बी सी का 3/8 है, ये आपको बताना है। इट्स नॉट सच अ ईजी टास्क, सीधे रास्ते चलोगे तो मुश्किल होगी, थोड़ा घुमावदार रास्ता लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों? पूरे ए बी सी में से पी बी क्यू
प्लस पी आर क्यू प्लस ए आर सी माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी पूरे ए बी सी में से इन तीनों को जोड़कर हटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो बचेगा वो ये ग्रीन, दैट्स ऑल। आई बात समझ में? तीनों को जोड़ेंगे और ए बी सी में से घटा देंगे, सिंपल। तो सबसे पहले हम लेते हैं पी बी क्यू, एरिया ऑफ पी बी क्यू। देखना बच्चों ध्यान से, पी बी क्यू किसका हाफ है? ए बी क्यू का। क्यों? क्योंकि क्यू पी, क्यू पी इज द मीडियन ऑफ ए बी क्यू, है ना। तो पी बी क्यू विल बी हाफ ऑफ ए बी क्यू। मैं एरिया नहीं लिख रही हूँ, समझा रही हूँ केवल, आप बात को समझो। ए पी बी क्यू इज हाफ ऑफ ए बी क्यू एंड ए बी क्यू इज हाफ ऑफ ए बी सी, सिंपल। ए बी क्यू इज हाफ ऑफ ए बी सी, गॉट इट। अब यहाँ ए बी क्यू की जगह पर हम हाफ ऑफ ए बी सी लिख सकते हैं, तो ये तो 1/2 है इन टू ए बी क्यू। ए बी क्यू के प्लेस पर हमने लिख दिया हाफ ऑफ ए बी सी, यानी कि पी बी क्यू इज इक्वल टू 1/4 ए बी सी, गॉट इट। पी बी क्यू आ गया। इसके बाद है दूसरा ट्राइंगल पी आर क्यू, ये अभी अभी हमने निकाला, देखो ना पी आर क्यू निकाला ना 1/8 ए बी सी, दिखा आपको, ये देखो अभी तो निकाला 1/8 ए बी सी पी आर क्यू को। तो ये यहाँ पर मैंने लिख लिया पी आर क्यू इज 1/8 ऑफ ए बी सी, पी आर क्यू का काम भी हो गया, है ना। पी बी क्यू आ गया, पी आर क्यू, ए आर सी ये भी किया अभी अभी हमने, अभी तो किया ए आर सी, कितना आया 1/4 ऑफ ए बी सी। तो ये हम लिख लेते हैं ए आर सी इज 1/4 ऑफ ए बी सी, गॉट इट, ये भी लिख लिया। अब हमें क्या करना है, हमें ए बी सी के एरिया में से इन तीनों का सम सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1/4 ए बी सी प्लस 1/8 ए बी सी प्लस 1/4 ए बी सी, आप बात समझ गए मेरी। अब एलसीएम ले लो, नहीं तो एक शॉर्टकट भी है, इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करो, क्या बन गया 2/8 ए बी सी, इसको 1/8 ए बी सी रहने दो, और ये 1/4 है ना, इसको भी 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी क्या बन गया 2/8 ओके। तो ये हो गया ए बी सी माइनस 2 और 1 3 और 5 5/8 ए बी सी, इसको ले लो 1 में से 5/8 माइनस करोगे तो 3/8 ए बी सी ही तो आएगा, है ना। आ गई बात समझ में? तो मैंने इसमें क्या टेक्निक अपनाई है, डायरेक्ट आर क्यू सी निकालना बहुत मुश्किल था, हमने क्या किया, आर क्यू सी इज इक्वल टू ए बी सी माइनस ओके सम ऑफ दीज थ्री ट्राइंगल्स, और इन तीनों को हम पहले ए बी सी के फॉर्म में ले आए, बस, है ना, सिंपल हो गया। अब मैं इसको फटाफट लिख रही हूँ आपके लिए, वेट। सी आई हैव रिटन दिस, पी बी क्यू इज हाफ ऑफ ए क्यू बी एंड ए क्यू बी इज हाफ ऑफ ए बी सी, इट इम्प्लाइज फ्रॉम 5th, 6th and 7th पी बी क्यू विल बी 1/4 ऑफ ए बी सी। इस रिलेशन को बच्चों मैंने सी नाम दे दिया, ओके। इसके बाद आर क्यू सी होगा एरिया ऑफ ए बी सी माइनस एरिया ऑफ सम ऑफ दीज ट्राइंगल्स। नाउ इट इज पी बी क्यू, इट इज 1/4 ए बी सी, कहाँ से मिला, सी से। पी आर पी क्यू आर बच्चों मुझे मिला ए से, देखो पी क्यू आर ही तो था ये, ए बी सी का 1/8 है ना, तो यहाँ पर लिख दिया 1/8 कहाँ से, ए से। और आर सी ए या सी, जो भी इनका नाम आर सी ए या ए आर सी कुछ भी बोलो, ये बी रिलेशन बोल रहा है, 1/4 होता है ना, बी रिलेशन के हिसाब से ये 1/4 है, तो यहाँ पर लिख दिया। तो ए बी सी तीनों का हमने यूज़ कर लिया, इन तीनों का सम करके आप भी देख लेना, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/4 5/8 आएगा, ओके। ये 1 है, ये 5/8 है, तो 1 माइनस 5/8 करने से बच्चों 3/8 ही आता है, हो गया ये अपना, है ना। नाउ कम टू द पार्ट नंबर 3, पी बी क्यू एंड ए आर सी। बच्चों देखो ये तो कितना ईजी है, पी बी क्यू, पी बी क्यू, वेयर इज पी बी क्यू, रिलेशन सी, देखो पी बी क्यू, पी बी क्यू कितना है, 1/4 ए बी सी है, है ना। और क्या चाहिए, ए आर सी, ए आर सी क्या है, ए आर सी भी 1/4 ए बी सी है,
समझे आप, बी रिलेशन से ए आर सी 1/4 ABC है और सी रिलेशन में पी बी क्यू भी 1/4 ABC है। तो जब दोनों की आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल होगी। तो पार्ट नंबर 3 तो सेकेंड्स में होने वाला है, इसे हम अभी के अभी आपके सामने कर देते हैं। ये देखिए, इसको ये हो जाएगा एरिया ऑफ पी बी क्यू, पार्ट नंबर 3 है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए आर सी यू हैव टू शो। तो एरिया ऑफ पी बी क्यू इज 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी फ्रॉम रिलेशन सी, सी रिलेशन से है, ठीक है। अब इसको आप क्या नाम देना चाहोगे, सी तक हो गया है तो डी दे दो, ओके। इसके बाद लिखो एरिया ऑफ ए आर सी इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी, ये हटाई दो, इसको रहने दो, यहाँ ये किससे आया है, फ्रॉम रिलेशन बी, ओके। नाउ वी कैन से, वी कैन से, हम कह सकते हैं, कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हो कि एरिया ऑफ पी बी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए आर सी, ओके। पी बी क्यू भी ए बी सी का 1/4 है, ए आर सी भी ए बी सी का 1/4 है, इसलिए ये दोनों इक्वल हो गए, दैट्स ऑल, है ना। तो थर्ड पार्ट तो चलो सिंपल था एकदम, और फर्स्ट में था थोड़ी जो मेहनत थी, सेकंड भी सिंपल था, ठीक है। गॉड ब्लेस यू बच्चों, हंसते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।